नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना ये खूबसूरत पेड़ है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इसके बेनिफिट्स, इसके गुण हैं। आयुर्वेद में इस पेड़ को बहुत विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि इस पेड़ का फल, जड़, तना, पत्ते, पंचांग बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है और बहुत सारे रोगों में ये काम करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमलतास के पेड़ की, जो मार्च महीने से शुरू हो जाता है फलना फूलना। इस पे फूल आते हैं और जून जुलाई तक ही चलते हैं। इसका मैं आपको फल दिखा रहा हूँ, ये मैं फल तोड़ के लाया हूँ। आज हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा ना लंबी करते हुए बस एक गुजारिश है, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं। मेरा वादा है कि मैं हर जानकारी आपको बिल्कुल सच्ची दूंगा। तो आइए चलते हैं, क्या क्या गुण हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसका पहला फायदा है अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, यानी कि हड्डियों का जो जोड़ होता है, जोड़ों के दर्द जो वायु की वजह से होते हैं, तो उनमें इसका क्या प्रयोग है। दोस्तों, इसका जो पल्प होता है, जब आप इसकी फली को तोड़ेंगे तो इसके अंदर बीज और ये पल्प निकलेगा। तो इसे अच्छे से फोड़ के इसका पल्प निकाल लीजिएगा या पंसारी की दुकान पे से ले आइएगा और उसको 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल के उसे आप उबालें, और जब आधा रह जाए तो उसमें से खाना खाने के बाद 1 चम्मच सुबह शाम लें। 1 चम्मच इसका जो वो काढ़ा है वो लेना है। फिर आप देखिएगा आपके जो अर्थराइटिस है, जो दर्द है, वो कैसे गायब होता है। धीरे धीरे आपका रोग बिल्कुल गायब हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा इसका जो बहुत असरकारी गुण है वो है बवासीर। दोस्तों, बवासीर एक बहुत ही भयानक दर्द देने वाली बीमारी है। आप उसमें बैठ भी नहीं सकते और वो मेन काम होता है उसका पेट से संबंधित। हमारा पेट खराब है तो बवासीर अवश्य होगी। तो आप बवासीर की अगर परेशानी से जूझ रहे हैं तो इसका पल्प जो मैंने बताया था, इसकी फली से जो पल्प निकलता है, उसका 1 चम्मच गर्म पानी में उबालिए और खाना खाने के बाद उस पानी को, काढ़े को, जब वो आधा रह जाए छान के पी लें। रोज इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पेट को तो ठीक कर ही देगा, आपकी बवासीर या पेट संबंधी कोई भी रोग है तो ये बिल्कुल उसे दुरुस्त कर देगा। और ये बिल्कुल अजमाया हुआ मैं कारगर नुस्खा आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इसका अगला जो है बेनिफिट है वजन कम करने के लिए। अगर आपका वजन ओवर हो गया है और परेशान है तो आप कुछ भी पैसा खर्च मत करिए, इसके पल्प का जो काढ़ा मैं बता रहा हूँ उसे पीजिएगा, बहुत आराम आएगा। और अगर आपका यूरिन यानी कि पेशाब कम मात्रा में आता है या नहीं आ रहा है, बहुत कम मात्रा में आ रहा है, तो इसके पत्तियों का चूर्ण या काढ़ा बनाकर आप आधा गिलास पी सकते हैं तो आपका यूरिन बिल्कुल खुलकर और साफ होकर आएगा, क्योंकि ये किडनी पर भी अपना बहुत प्रभाव रखता है। दोस्तों, अगला है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। डायबिटीज़ को जो ब्लड शुगर हमारी होती है उसको कंट्रोल करने में भी ये रामबाण का काम करता है। आप इसकी पत्तियों का चूर्ण सुबह शाम 1 चम्मच गर्म पानी से लें और अपना 8 दिन बाद अपना ब्लड जो शुगर है उसे चेक कराएं, तो आपको हैरानी होगी कि आपका जो लेवल है वो बिल्कुल ठीक है या लगभग ठीक है। तो ये ब्लड शुगर में भी बहुत ज़्यादा फायदा करती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बाहर निकालने में जो है ये बहुत मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको किसी एक्सीडेंट या किसी वजह से अंदरूनी चोटें लग गई हैं और अंदर गुम चोट जिसे बोला जाता है, दर्द है, तो आप पेन किलर तो लें, लेकिन उसके साथ अमलतास की पत्तियों का पानी में पेस्ट बनाकर अच्छे से उसका पेस्ट बना लें और जहाँ पर तुम्हारा दर्द है, जहाँ भी अंदरूनी चोट है, उसके ऊपर इसका लेप करें दिन में 2 बार। आप देखना कि ये बिल्कुल एक बहुत बेस्ट पेन किलर के रूप में आपको फायदा देगी और आप जो है उस दर्द से छुटकारा पा जाएंगे।
दोस्तों मैं आखिरी इसका प्रयोग बता रहा हूँ कि आखिरी प्रयोग जो है बच्चों के लिए है। अगर बच्चा हो या बड़ा, उसका पेट अफारा आ गया है, बच्चों के लिए मैं पहले विशेष बता दूँ, अगर बच्चों का पेट गुम हो गया है, अफारा आ गया है, वो लैट्रिन नहीं कर पा रहा है, कब्ज हो गया है उसे, तो उसे खिलाना नहीं है, मात्र उसकी नाभि के चारों तरफ अमलतास का गुद्दा लें और उसे पानी में बिल्कुल बारीक करके उसकी नाभि पर उसे लगाएं और आप देखें कि चमत्कार रूप से उसका अफारा, उसका पेट तुरंत साफ हो जाएगा, केवल भारी है प्रयोग करने से ही। तो ये बहुत गुणकारी है, इसका प्रयोग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं इसके थोड़े से आपको सावधानियां बता देता हूँ। अमलतास बहुत ही गुणकारी औषधि है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में किसी भी औषधि को प्रयोग करने से वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है, इसका कोई खास नुकसान नहीं है। इस ये जो है प्रकृति में ठंडी होती है, इसीलिए ये आपको खांसी या जुकाम कर सकती है। थोड़ा जो क्वांटिटी में अगर आप लेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और बाकी आप अपने जो पास के कोई चिकित्सक है उससे सलाह लेकर इसका प्रयोग अवश्य करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।